Victor is going to run fast. जरा पानी की व्यवस्था कमेंट्री बॉक्स में करो, तो पाण्याची व्यवस्था जर केली तर खूप खूप आहे. पाणी आहे इथे. हा, आमचे अंपायर्स त्यांचे भी नाव द्या मला, स्कोररचे भी नाव द्या, मध्ये मध्ये त्यांचंही नाव बोलू आम्ही. डीजेचं नाव बोलू. डीजे मराठी कळतं? मराठीमध्ये सांगा तुमचं नाव काय आहे, कुठला डीजे, तुम्ही कोण आहे सांगा लवकर लवकर पटकन. परेश की पहली गेंद और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वाइड का इशारा. भाई बैट्समैन का नाम क्या है? बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन. तो बैटिंग करने की जोड़ी है डबल आर, नहीं आर एन, रौनक और नवाज. नवाजी करते हुए नवाज इंतजार कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर पे, और रौनक जैसे चमकने के लिए तैयार. रौनक, परेश की गेंद, अफसम के काफी बार वाइड का इशारा है, लंबे हाथ फैलाते हुए, डूइंग द ग्रेट एक्सरसाइज बाय द अंपायर. शिव कुमार, हनुमान, सब भगवान यहां पर मौजूद. भाई कुमार को निकाल, शिव ही रहने दे. हाँ, लग्न झालं नाही म्हणून शिव कुमार पुढे टाकलाय. ते कुमार नाही, नाही अभी तो 12 साल का बच्चा है शिव कुमार. अगली गेंद करने के लिए तैयार रौनक की गेंद से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही है. ये गेंद सीमा रेखा के बीच से दिशा देती हुई 4 रनों के लिए. मैं बोलता हूं तो आप रुको, आप बोलते सुनाते हो तो मैं रुकूंगा. अगली गेंद का सामना करने के लिए रौनक के बैट से निकलता है स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए. गेंद 4 बैक टू बैक बाउंड्री, शायद बल्लेबाज को रौनक को सीमा रेखा दिशा ही दिख रही. And the man sitting beside me, he is waiting for his turn. He will be batting or bowling soon. Not today, but tomorrow. Because Saturday he has taken the promise he will never bat or bowl. And kya naam kya aapka? The man from Worli, Prasad here, the special guest watching the match here. And today is his birthday, so he is going to kick the kick. Aray, aisa nahi, roj birthday hota hai, bhai. Ye agli gend ko khelne ke liye. डॉट बॉल आफ्टर ऑल, रौनक को बांध के रखा. फिरोज बता रहे हैं कि फील्ड की सेट लगाते हुए कि कैसे लगाना चाहिए, और कभी कभी फील्डिंग में परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि इट इज अ मेंटल गेम. बैट्समैन पे प्रेशर, बैट्समैन को रुकाओ और बाद में बड़ी मछली को जाल में फंसाओ. अभी देखता है बड़ी या छोटी मछली. सी द कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करते हुए फिरोज डूइंग द ग्रेट जॉब. And our scorers, especially they have been brought from New Zealand. Or naam kya bhai? Arey bolo yaar, last tak hai tumhi.
अगली गेंद का सामना करने के लिए गेंद को, व्हाट अ शॉट, चॉप, इसे कहते हैं टेनिस शॉट, वाह वाह, इसे फेडरर, नडाल या जोकोविच भी देख के शर्माते होंगे। और इस गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए, आहा, व्हाट ए शॉट, हाई हाई एंड हैंडसम एंड आल्सो वेरी ह्यूज। And now Ronak is dealing with the in boundaries and sixes. He doesn't want to run at all. He has hit already 2 boundaries and a huge towering sixes. और ये 4-5 मैच के बाद में एक लेडीज क्रिकेट मैच भी होगा और जो जीतेगी उसे 1 लाख रुपया का इनाम और जो हारेगी उसे 11 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। तो हारने का प्रयत्न ज्यादा करेंगे और ये चमचमाती ट्रॉफी जो देखना है मेंस के लिए है, इसे खास करके अमेरिका से बनाई गई है, 3.5 करोड़ की ट्रॉफी, अपने घर कौन लेके जाएगा देखना है। और गेंदबाजी के लिए तैयार बॉलर आमचे ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, सर्व है, हनुमान है, शिव है, ज्ञानेश्वर है, ऑल इन वन ईयर, गणेश विष्णु दे गुजराती माँ कहवा जो बदा चाहिया छे। ज्ञानेश्वर की अगली गेंद, आहा 6-4 कैच, क्या होता है ये, आहा भाई कितने का दिल तोड़ोगे, कैच छूटेगे दिल टूटेगे, एक आसान सा कैच था, इसे कहते हैं लॉलीपॉप डॉली एंड डॉली गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स। तो मेरे साथी कमेंटेटर भी अभी फ्रेश होकर आए हैं और अपनी फ्रेश मधुर मधुर आवाज में गेंदबाजी करेंगे। ज्ञानेश्वर गेंदबाजी के लिए तैयार और एक बार स्विंग किया है और एक बार भाई ये डॉली ने, ये तो सिमरन की। का नाम क्या है मुझे बताएंगे भाई, ओमकार काय हरकत नाही, बाळा मित्रा 99 वेळेस हरलास तरी 100 वेळेस जिंकेल तू, प्रयत्न करत जा, पण सोडू नकोस की आता काय हरकत नाही, इथे तिथं मन लागत नव्हतं तिकडे पाठवलं त्याला। और ये कॅच होना चाहिए लेकिन इस बार भी शायद शायद छूटना चाहिए, ओ हो व्हाट ए कॅच मिलिन, क्या बात है क्या बात है। और ये सब सुन रहे मजा आ रही है। और ऐसा ही कैच मुझे याद है 2004 में मोहम्मद कैफ ने लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, लास्ट ओवर में था, शोएब मलिक ने शॉट मारा था, बेहतरीन कैच लेके अपन पाकिस्तान में सीरीज जीते थे। तो
क्रिकेट में कैचेस, अच्छे कैचेस का इतिहास बहुत कुछ है। और इस कैच में दो सिक्स लगने के बाद सर कैच आया, तो कहना चाहूंगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पास में उसे खोया नहीं करते, और जीवन में मिलती हो नहीं सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ, सो सफलता अर्जित करनी है तो जो हो गया उसको जाने दीजिए, जो आपके पास में आप उसको सेव कीजिए, यही मूल मंत्र सफलता का। और वही कुछ दिखाती हुई अभी का ब्लैक पैंथर्स। जी हाँ, और नए बैट्समैन है महेश। जी हाँ, भगवान शंकर का दूसरा नाम महेश, और बॉलर है ज्ञानेश्वर। अब दो भगवान की जंग में इंसान क्या करेंगे, देखते हैं। इंसान देखेंगे क्रिकेट और बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग, रन आएगा एक, एक के साथ स्कोर में इजाफा, रन संख्या पहुंच गई सर 28। दिस इज द ब्यूटी ऑफ तेजपाल मोटर्स प्रीमियर लीग TMPL सीजन 3, तीसरा साल बेमिसाल। सुबह से कारवा जारी है, सुबह आपने आवाज सुनी हमारे साथी कमेंटेटर आनंद भाई की, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए दिलावर सर और मैं आपका कमेंटेटर शुभम जैन। इस बीच एक बेहतरीन रन नहीं दौड़े, मिस कम्युनिकेशन, रन हो सकता था, रन जाने दिया। तो दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर के बाद 28, टीम रॉयल 11, डीजे। और मैं 28 रोर 11 को थोड़ी सी दहाड़ मारनी है ब्लैक पैंथर्स के सामने, तो अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर्स एकमात्र टीम जिन्होंने अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर चेस किया 54। सो उनको रोकना है परेश और फिरोज, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, उसको ध्यान में रखते हुए रोर 11 को कम से कम जाना होगा 45-40 तक। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली बॉल फुल लेंथ बॉल, उसको डिस्पैच करने का प्रयास अंपायर का सारा, वाइड बॉल ऑफ स्टंप काफी ज्यादा बाहर, स्कोर में इजाफा, रन संख्या एक के साथ पहुंच गई 29। लास्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस बिटवीन रॉयल 11 एंड ब्लैक पैंथर्स। इस बीच एक बार फिर से काफी ज्यादा बाहर, फिर से अंपायर ने वाइड का इशारा किया, एक रन स्कोर में बढ़ेगा, स्कोर संख्या पहुंची 30 रन। बहुत ही अच्छा सुबह से पूरा आयोजन, दर्शकों का जोश उत्साह बना हुआ, मैच में निगाहें बनी हुई, और प्लेयर्स ने जो खेल स्पीड के साथ खेल खेला बेहतरीन। और देखिए दो बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर काफी गए, लेकिन लाइन वही थोड़ा सा ऑफ स्टंप के करीब आया, और बेहतरीन बॉल, कोई जवाब नहीं था उस बॉल का, एक प्रीशियस डॉट बॉल। लास्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस, अफजल है गेंदबाज, इस बीच अफजल की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से कट करने के पर एक और शानदार बॉल, दो वाइड के बाद दो डॉट बॉल, अंतिम ओवर 30 रन हुआ है, अभी भी चाहेंगे कम से कम 45 रन तक पहुंचे रॉयल 11 की टीम, अगर उनको फाइट देनी है। मजबूत बैटिंग लाइनअप यहां पे ब्लैक पैंथर्स का, इस बात को मद्देनजर रखना होगा, क्या क्षमता रखते हैं दोनों ही बल्लेबाज, पूरी टीम हम लोगों ने पिछले मैच में देखा। फिलहाल अफजल की अगली बॉल, इस बार अच्छा करेक्शन और गेंद गई डीप मिड विकेट कीपर से 6 रन के लिए।
60 शॉट लगा के अपनी टीम की बल्लेबाजी क्रम में रौनक लगा दिए, चार चांद लगा दिए, स्कोर पहुंच गया 36-3. अफजल टू रौनक, अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से खेल दिया बॉलर के सर के बाहर से, कोई मौका नहीं दो खिलाड़ियों के पास से, और हो गई थी। रीन कनेक्शन, दो अच्छे शॉट लगाए, स्कोर पहुंच गया टीम का 40, अभी भी अंतिम दो बॉल आनी शेष। रौनक बल्लेबाज जोर 11 के लिए, और इस मरतबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ कमेंट्री बॉक्स जुड़ा छह रन, व्हाट अ ग्रेट हिटिंग। जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जवान पर सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान भरते हुए रौनक अपनी टीम के लिए। लास्ट बॉल रहेगी नहीं, इसकी स्कोर पहुंचा 46-1. इस बीच इस मरतबा कनेक्शन अच्छा नहीं, लेकिन किस्मत मेहरबान तो रौनक पहलवान, रन आएंगे 1-2-3 रन के लिए दौड़ा है, तीसरे रन पे होंगे रन आउट। जो फाइनल स्कोर होगा वो है रॉयल 11 का 48, और टारगेट रहेगा यहां जीत के लिए। अंपायर सर तीसरे रन पर रन आउट हुए, आउट नहीं है क्या, आउट नहीं है सर, तीन रन स्कोर में जोड़ेंगे, फाइनल स्कोर है 49 है ना, और पूरे 50 रन टारगेट रहेंगे यहां पे ब्लैक पैंथर्स के लिए। डीजे के बाद अगला मैच, जो पिछले मैच हारा था, लेकिन अभी इनके पास मुकाबला जीतने का, क्रुसेडर्स और रॉयल स्ट्राइकर्स, क्रुसेडर्स और रॉयल स्ट्राइकर्स दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा टॉस के लिए आ जाएं। नेक्स्ट गेम बिटवीन टीम क्रुसेडर्स एंड रॉयल स्ट्राइकर्स, मौका मिलता है आपको जिंदगी में, और इसी मौके को भराने की कोशिश में टीम क्रुसेडर्स पिछले साल की चैंपियन सर, जी हाँ, फाइट बैक करने का मादा रखते हैं। चलते हम इस मैच के टॉस के लिए, हमारे फोटोग्राफर तैयार, हु विल टेक द कॉल, क्रुसेडर्स विल टेक द कॉल, दादा दादा फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर एक मिनट, फोटोग्राफर टेल्स इज द कॉल एंड इट इज हेड, इट मींस रॉयल स्ट्राइकर्स वन द टॉस। सर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट, तीन तीन ओवर का मुकाबला है, पिछले मैच में आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने पहले बैटिंग किया था या बॉलिंग, पहले बैटिंग किया था, इसीलिए इस बार बॉलिंग का आप लोगों ने डिसाइड किया, कितना आप लक्ष्य रोकने की कोशिश करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्रुसेडर्स की टीम को, 35-40, और सर अगर आप लोग टॉस जीतते तो आपसे जानना चाहूंगा आप लोग का क्या डिसीजन होता, हम लोग भी बैटिंग लेते थे, बैटिंग ही लेते थे, सो आपने टॉस जीता, आपको बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, कितना लक्ष्य आप देना चाहेंगे, एटलीस्ट 67 तक ट्राई करेंगे, जी हाँ 67 तक, क्योंकि देखा है कि इनकी बॉलिंग पे पिछले बार रन पड़े थे, तो इसी बात को नजर रखते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी जोश और तैयार से हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों ही टीम्स के लिए, आपका टीम क्रुसेडर्स और रॉयल स्ट्राइकर्स, रॉयल रॉयल कम हियर, रॉयल आशीष ने जीता है, हरा है, पहला मैच हारा है और दूसरा
तो दो हारे हुए टीम और हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो दो बाजीगरों के बीच में कांटे की टक्कर क्रिकेट का महासंग्राम खेले जाने वाला है। कोई भी जीते कोई भी हारे सभी का दिल जीतना है और बहुत आपके शुभकामना। और ऐसे हम लोग करेंगे कमेंट्री बॉक्स में भी, ये टीम शुभम भाई लेके जाएंगे, ये टीम मैं लेके जाऊंगा और दोनों के बीच में ये क्रिकेट का महासंग्राम का वर्णन हम हमारे इसमें करेंगे। जी हाँ, और एक वर्ली से आए हुए खिला सेलिब्रिटी है, उनकी तरफ से कमेंटेटर को 3 nights and 4 days फ्री स्टे गोवा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और बोल दूं दोनों टीमों में से एक टीम जीतेगी तो निश्चित तौर पर जो सर ने बोला हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, एक टीम बाजी। बात हो चुकी है ब्लैक पैंथर्स की टीम जानती है, उनमें वो मादा है 50 रनों का और शुरुआत की है 6 रनों से। बैट्समैन है परेश। और आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा एक फोटोग्राफर को यहां पर गौरव काले चेंबूर से आए हुए है और कल ये तस्वीरें 12 मुल्कों में छपने वाली है, तो गौरव काले आपका भी अभिनंदन करते हैं। और इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए एक शख्स है और यहाँ पर 2-3 देवियाँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी भी यहाँ पर आई हुई है। हाँ, वो बोलते कम है काम करवा के ज्यादा लेते हैं। तो 3 देवियाँ की तरफ से जितने सिक्सर लगेंगे 500-500 रुपये इनकी तरफ से। आपका नाम क्या है मैडम? अरे नाव सांगा। हाँ, अक्षता और मयूरी। और अक्षता मयूरी और विशाखा की तरफ से चौके छक्के जितने लगेंगे 500-500 रुपये का इनाम। और मैन फ्रॉम द वर्ली गॉगल में आए हुए प्रसाद, सबको यहाँ पर प्रसाद ही देंगे। यहाँ थैंक यू सर। और इस बीच प्रसाद फिलहाल देने का काम कर चुके हैं ब्लैक पैंथर्स के ओपनर, 50 रनों का उनके पास चुनौती है और उसको अभी तक अच्छे तरीके से सामना किया। और पिछले मैच में ही अभिजीत लौटे थे, नॉट आउट लौटे थे और 54 का हाईएस्ट टारगेट चेस किया था इस जोड़ी ने, परेश और फिरोज। शुभम जी एक बात बताना चाहूंगा, ये विकेट कीपर की खास सूचना, विकेट कीपर ने अब तक के 998 कैचेस पकड़े हैं, 2 कैच पकड़ेगा तो 1000 कैच पूरे हो गए विकेट कीपर के। जी हाँ, और उनके लिए एक कैच को डबल माना जाएगा। और शिव कुमार काफी उत्साहित कि बैटिंग कभी आएगा, बालपनी खूब हावरा होता बैटिंग साठी। ओहो, एफर्ट बेहतरीन था, कैच हुआ ड्रॉप, जीवन दान मिला बल्लेबाज को, रन आएगा एक। और थोड़ा सा रॉयल 11 को यह बात ध्यान रखनी होगी कि फील्डिंग ही करके आप बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते थे कि आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं और टूर्नामेंट गेंदबाज। सो अगर आपकी फील्डिंग अच्छी हुई गेंदबाज रही तो आप होगा। फिलहाल सर 1 to go, पहला ओवर चलता हुआ, रन संख्या डबल डिजिट के पार। This is the beauty of Tejpal Motors Premier League TMPL Season 3, तीसरा साल वे मिसाल चलता हुआ। दोपहर की बेला होने को है लेकिन जो जोश उत्साह है 9 बजे से स्टार्ट हुआ 8:30 से वो बरकरार और यही आपको देखने को मिलेगा रात के 8 बजे तक। जी अंपायर भी हमारे समय का विशेष ध्यान रखेंगे, एक मैच खत्म होने के लिए आधा घंटे का समय, मतलब 15 मिनट में आपको एक इनिंग्स होना कंपलसरी।
स्कोर पहुंच गया 16। जी हाँ, वन टू गो, शानदार शुरुआत मिल चुकी है। टारगेट है 50 रनों का सर, और उसका अब तक सामना बेहतरीन किया दोनों बल्लेबाज परेश और फिरोज ने। टीम का स्कोर पहुंच गया 16, वन टू गो। ओवर की लास्ट बॉल ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से, बदमाश ओवर था। अनिकेत मोरे, मोरे से मोर विकेट की उम्मीद। फिलहाल एक लें और इस जोड़ी को तोड़ें जिसको तोड़ पाना अब तक दूसरा मैच चलता हुआ अभी तक कोई टीम नहीं तोड़ पाई। जी हाँ, सो पहला ओवर हो गया, फील्ड आई हुई। फील्ड सर पहला ओवर ही मैंडेटरी पावर प्ले का होता है जिसमें मैक्सिमम दो खिलाड़ी रह सकते हैं। सो ये देखा गया है कि पहले ओवर में 20 रन बनाए, आप कितना सही है, क्या नजर आता है आपको अगले दो ओवर में 30। जैसे मैंने पहले भी कहा था ये फटाफट क्रिकेट है और तीन तीन ओवर होगा तो मिनी फटाफट ओवर कहना चाहिए, और 30 रन दो ओवर में बनना कोई मुश्किल नहीं है। एक आध दो सिक्सर और एक आध दो बाउंड्री लगती है तो पूरा होगा। ओवर डी हो शुभम जी। जी हाँ, और 11 के लिए भी अगर एक आध दो विकेट ले लेते इस जोड़ी को तोड़ देते तो उनके पास पूरी संभावना है। और दिवाली काफ़ी दूर, लेकिन ऐसे बोनस के भी रन मिलेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। तो बताया कि 12 महीने दिवाली होती है क्योंकि महाराष्ट्र है, अभी मुंबई कर रहा हो तो मुंबई। इस बीच एक बेहतरीन शॉट डीप पॉइंट की तरफ खेला गया, शॉर्ट बॉल फील्ड की जाती, आसानी से रन होंगे तब्दील दो। विद दिस टू स्कोर मूव ऑन टू 23। भाई विकेट कीपर का नाम बताओगे? प्रशांत है, बहुत ही शांत हमारे भाई प्रशांत। प्रशांत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उनका जज्बा देख के बहुत ही दिल को छू जाता है। प्रशांत विकेट कीपर। इस ओवर में कम से कम एक आध छक्का और या तो एक आध बाउंड्री लगनी होगी तो काम तमाम होगा, वरना काम बहुत मुश्किल हो सकता है आखिरी ओवरों में। जी हाँ, रॉयल इलेवन की टीम को अगर दहाड़ देनी है तो सबसे पहले एक विकेट झटकना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। शुरुआत एक से करें, उसके बाद निश्चित तौर पर थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और बॉलर काफी किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे, कंजूस भरी गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। बूंद बूंद से सागर नहीं भरने वाला है, एक एक रन से काम नहीं बनने वाला है, कुछ बारिश होनी चाहिए चौकों और छक्कों की। जी हाँ, और बेहतरीन ओवर चलता हुआ मारना पड़ेगा निकेत का। पहले ओवर में आए थे 20, इस ओवर में उन्होंने हाथ खोलने का दोनों बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया, अब तक रखा है शांत। देखते हैं ओवर को किस प्रकार से कर पाएंगे खत्म और कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास। और उस अतिरिक्त करने के प्रयास ने बॉलर को उसकी लाइन लेंथ से चुकाया और गेंद गई सीमा।
19 बॉल हुआ है, 1 2 3 4 टू बॉल्स टू गो, 8 बॉल पे चाहिए अब 19 रन, द गेम इज ऑन। इस बीच फुल लेंथ की बॉल, फिर से अच्छी यॉर्क लेंथ की बॉल, जड़ पे बॉल, रन आएगा एक, एक रन से कोई समस्या नहीं, रॉयल इलेवन की टीम यह जानती है। अब इक्वेशन है 7 बॉल पर यहां से चाहिए 18 रन, 18 रन टू विन इन 7 बॉल। तो इक्वेशन इस तरह से है, 7 गेंदों में 18, यानी 7-18 की करजत पकड़ो, नेरल में उतरो और माथे रन चले जाओ, 7-18। नेरल से भाई, नेरुल मत जाओ, नहीं तो न्यू बॉम्बे वाशी घूम के आओगे। अलग है नेरुल, अलग है। ओहो, व्हाट अ लवली एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्राइव, ड्राइव बैक फुट पे जाके स्किल शॉट होता, वैसे ये शॉट करीब वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से था, ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन, 6 रन देकर जाएगा, स्कोर उछल कर पहुंच गया। स्कोर कितना हो गया, 38। जीत के लिए चाहिए 6 बॉल 12 रन, 6 बॉल 12 टू विन। बहुत ही क्रूशियल शॉट, लास्ट बॉल पे सर जो 6 लगाया उसने मैच की दशा और दिशा को बरकरार रखा है। इस तरह का शॉट था जैसे कि ये स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े शॉट का और सिक्सर, जी हाँ, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। जी हाँ, वो शॉट लगाने के लिए आपके आर्म्स में, आपके रिफ्लेक्शन में बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए। काले माझे मित्र आले आहेत ते बोलते जरा वरती है ना बाळा, गौरव काले द मैन फ्रॉम चेंबूर, द लाफिंग स्माइली बॉय। और अपने कैमरा में कैद करते हुए सब हसीन स्माइली लाफिंग चेहरे। जी हाँ, फिलहाल और प्यार करना है शुभम जी, तो मुंबई या प्यार करो, दिल्ली वाला प्यार, दिल्ली वाला बरसों ने बरसों प्यार चलता है, मुंबई वाला आज कल में खत्म हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे क्योंकि लोकल जल्दी आती है, लोकल जल्दी जाती है। जी हाँ, एक गई तो दूसरी आई, और लखनऊ एक्सप्रेस भी यहाँ पर मौजूद है शिव कुमार। वेरी वेल बैकअप, वेरी वेल कवर्ड बाय द फील्डर, सो द गुड एंटीसिपेशन, गुड जजमेंट बाय द फील्डर and keeping the score up to 2, so saving 2 runs for his team, and every run is a very vital. Ronak doing the great job after batting superbly. Ab chahiye 5 ball par 11, rokne ka prayas, lekin rok nahi payenge, ye gayi gadi। शुभम जी ऐसे कहना होगा, ब्लैक पैंथर जो शिकार पे निकले हुए और पूरी शिकार करके ही घर पहुंचेगी ऐसा लग रहा है। ब्लैक पैंथर ऑन द हंट, और इस बॉल पे मैच होगा समाप्त, बैक टू बैक 50 रन पार्टनरशिप फॉर